हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इससे पहले हमने एक क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज़ ख़त्म किया है, अब हम उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अभी जो जिस पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है एसटीआर। ओके, सो एसटीआर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली रीच किया जा सकता है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड वी टी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। तो एक ट्रेन है यहाँ पे, वो वी टी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर बी हु इज ऑन द ग्राउंड। ओके, एंड देर इज अंदर ऑब्जर्वर इन साइड द ट्रेन नेम्ड ए। ए ट्रेन के अंदर एक दूसरा ऑब्जर्वर है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट पल्स विद रिस्पेक्ट टू ए सी, यहाँ पे एक लाइट पल्स है, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है इसकी स्पीड ए के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखिएगा मैं टर्म्स कैसे यूज़ कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू सी एंड इज मूविंग इन द आई कैप डायरेक्शन। मैं ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल अगर मैं कर रहा हूँ तो ये वी एल कॉमा इज इक्वल टू सी आई कैप। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी टी आई कैप, ये भी दिया हुआ है। ओके, तो पूछा है कि देन वॉट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट पल्स विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो बी यहाँ पे खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में मुझे लाइट की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए मैं इसको कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, प्रोसेस ये है, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आप एक एस फ्रेम, एक एस डैश फ्रेम और एक पार्टिकल को रीच आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर करस्पॉन्डिंगली मैं देखूँ तो एस फ्रेम फ्रेम यहाँ पे कौन सा है, एस फ्रेम इज बी क्योंकि वो स्टॉप है। एस डैश इज द मूविंग फ्रेम, मीन्स की जो फ्रेम मूव कर रहा है जो है ए, और पी जिस पार्टिकल के लिए हम वेलोसिटी देख रहे हैं। ओके, वो पार्टिकल यहाँ इस कंडीशन में है एल लाइट। तो यहाँ पे आप इस तरह सबको ज्वाइन कर देंगे। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि एस कौन सा है, एस डैश कौन सा और पार्टिकल कौन सा है। एस को यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, एस डैश यहाँ पे मूविंग फ्रेम है और पी वो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी मैं देख रहा हूँ। ओके, तो एस से एस डैश के बीच का जो वेलोसिटी होती है वो होती है यू एक्स, ए और एल के बीच का यू एक्स डैश। ओके, और इससे अब पार्टिकल की वेलोसिटी, सॉरी नो, ये यू वी, दिस इज वी, दिस इज वी, एस और एस डैश के बीच का जो वेलोसिटी होता है दिस इज वी। एस डैश से पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है दिस इज यू एक्स डैश। ओके, और एस से जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है दिस इज यू एक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाँ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट पल्स विद रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स एस डैश के बी एस के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड बतानी है हमको, मीन्स हमको निकालना है यू एक्स। ओके, सिंपली सबसे पहले आपको यही जानना है कि आपको निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको निकालना है यू एक्स बिकॉज एस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी इज यू एक्स। ओके, सो यू एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी टी अपॉन वन प्लस वी टी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। मैं यहाँ पे सिर्फ यू एक्स डैश को लेके चल रहा हूँ, जनरली ये यू एक्स, यू वाई और यू जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करी कर रहा है, यू वाई डैश, यू जेड डैश। ओके ओके, तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स डैश कितना है यहाँ पे, यू एक्स डैश इज ये, दिस इज सी। ओके, दिस इज वी टी। ओके, दिस इज यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी प्लस वी टी अपॉन वन प्लस वी टी सी बाय सी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू सी प्लस वी टी अपॉन सी प्लस वी टी इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो यू एक्स हमारा कितना आ गया, सी। ओके, सिमिलर अगर हम यू आई की बात करें तो यू आई हमारा क्या होगा, यू आई डैश रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर। ओके, तो यू आई डैश कितना है यहाँ पे, जीरो बिकॉज इट इज़ मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो यू एक्स डैश यहाँ पे है सी, यू आई डैश ज़ीरो है और यू जेड डैश ज़ीरो है। ओके, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। सिमिलरली यू जेड डैश जब मैं बात करूँगा, सिमिलर फार्मूला, यू जेड डैश रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर
अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन यू जेड डैश इज जीरो दैट इज जीरो। ओके तो वेलोसिटी जो आएगी ए के रिस्पेक्ट या बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलॉन्ग बी इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। तो वी आ जाएगा आपका सी आई कैप मीन्स ये पॉस्टुलेट्स को वेरीफाई कर रहा है। पहला पॉस्टुलेट इसका एक पॉस्टुलेट क्या है एसटीआर का, एसटीआर का एक पॉस्टुलेट है कि द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो चाहे वो मूविंग फ्रेम में देखा जाए चाहे किसी फ्रेम में देखा जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज सी। कॉन्सेप्ट इन टोटल क्वेश्चन में जो ट्रिक था वो ट्रिक पार्ट था ये फिगर ड्रॉ करके आपको ये समझना होगा कि आपको निकालना क्या है। तो आप एस फ्रेम डिफाइन कीजिए, एस डैश फ्रेम डिफाइन कीजिए और पार्टिकल की पार्टिकल को डिफाइन कीजिए सिर्फ यू एक्स यू वी देन एस एंड एन फ्रेम के बीच का जो वेलोसिटी वो तो वी और जो पार्टिकल और एस डैश और पार्टिकल के बीच की वेलोसिटी यू डैश और एस और पार्टिकल के बीच की वेलोसिटी यू। आपको तुरंत समझ में आ जाएगी किसकी वेलोसिटी निकालनी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन।